क्या ठाना है आप लोगों ने, किस बात की पर्देदारी है सर? ऐसा क्या पर्दा डालने की कोशिश हो गई है कि मीडिया को आपने रोक दिया है? परिवार कह रहा है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को क्या आप समझते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? बलात्कार का मामला जिसमें डीएम का वीडियो है जो परिवार को धमका रहा है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसका, हाई कोर्ट ने, लेकिन आप लोग इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे, ये पर्देदारी क्यों है? अंजना जी, जो आपने बात कही है, इस दुर्दांत घटना की गंभीरता, उसकी सक्रियता और संवेदनशीलता, सरकार पूरी तरीके से तत्पर रही। आप ध्यान करिए, जैसे ही घटना आई सारे अभियुक्त पकड़ लिए गए। अगला चरण क्या होता है? न्याय सुनिश्चित किया जाए। न्याय सुनिश्चित करने के बाद क्या होता है कि समयबद्ध हो, यह नहीं कि महीनों साल भर चलता रहेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया। अगला क्या होता है कि जांच सही और निष्पक्ष हो, तो एसआईटी गठित कर दी गई। 3 सदस्य हैं, जिसमें एक महिला भी है और एक दलित समुदाय से भी। तो एसआईटी गठित, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और सारे के सारे अपराधी पकड़ लिए गए। और उसके बाद सरकार की मंशा, मुख्यमंत्री जी का यह बयान, दो बड़े काम आप गिनाना भूल गए। सुधांशु जी, मैं आपको टोकती नहीं हूं, लेकिन आज सुनिए सर, दो बड़े काम जो आप लोगों ने किए वो बताना भूल गए, इसीलिए टोक कर बता रही हूं। एक, एडीजी सामने आए ये बताने के लिए और समझाने के लिए कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं, किसी रिपोर्ट में नहीं आया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि रेप का मामला कब आता है, कैसे आता है, कितने दिनों के अंदर स्वॉप देना जरूरी होता है। अलीगढ़ में जब वो मेडिकल हॉस्पिटल में गई थी, वहां की रिपोर्ट दिखाने के लिए बैठ गए, सफदरजंग की बात करने लगे और ये समझाने लगे सबको कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं है। अब आप ही मुझे बता दीजिए सुधांशु जी, मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये सवाल मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, लेकिन आज मैं पूछ रही हूं। तो क्या वो 3 से 4 लोग, एक सेकेंड सर, ये देखिए हाथरस केस में जो लापरवाही है वो हम आपको बता रहे हैं कि 3 दिनों के बाद स्वाब का कोई फायदा नहीं होता है, 8 दिनों बाद लिए गए नमूने जो हुआ है, 3 दिन के बाद स्वाब का कोई फायदा नहीं होता है, और वो आपके एडीजी आकर सबसे बड़ी अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि रेप तो हुआ ही नहीं है ये साबित करने में। आप मुझे बताइए सर, वो 3 से 4 जो भी चारों आरोपी पकड़े गए हैं, वो क्या उसकी गले की हड्डी तोड़ने के लिए उसको खेत में ले गए थे? क्या था फिर ये? बिना हत्या के लिए वो चले गए, हत्या करने के लिए ले गए थे, किस चीज के लिए ले गए थे सर बता दीजिए। अंजना जी, जो आपने सवाल किया हो बिल्कुल जायज है, इसलिए एडीजी के बयान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक एसआईटी के द्वारा उस चीज की पुष्टि नहीं हो। क्यों दे रहे हैं? एसआईटी इस विषय किसी की बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है तो किसी के भी बयान ना सर, वो पुलिस के पास जाता है ना। ये तो बेटियों को समझाने के बराबर है कि आगे से अपनी मुंह मत खोलना, वरना तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े करेंगे, बोलेंगे कि तुम्हारा डाइंग डिक्लेरेशन भी झूठा है और ये कोई और नहीं, आपके एडीजी बोल रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ अंजना जी? देखिए, आपने जो बात कही, आपकी विषय और आपकी भावना दोनों बिल्कुल जायज, इसीलिए मैंने सब्जेक्टिवली क्या हुआ वो बताया और भावना के आधार पर बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कठोर दंड मिलेगा, चाहे अधिकारी हो या पुलिस का व्यक्ति हो, और वो ऐसा नजीर बनेगा। ये वो सरकार नहीं है, बात नहीं करूंगी सुधांशु जी, बात मेरी पूरी हो रही है। जब वो सरकार नहीं है, बात नहीं करूंगी। एडीजी ने क्यों कहा कि पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन झूठा था और उसके बाद उसे फांसी लगानी पड़ती है और उसके बाद सरकार का मुखिया कहता है लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या करे सर? नहीं है तो आप क्या करेंगे? सरकार नहीं है जहां बुलंदशहर रेप होता है और आजम खान कहते हैं तो नाटक है, और उसके बाद जो हाई कोर्ट कहता है अनकंडीशनल माफी मांगो तो माफी मांगनी पड़ती है। यहां मुख्यमंत्री जी ने कहा है एसआईटी भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, और ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। एडीजी ने क्यों बोला? बिल्कुल स्पष्ट है। और एडीजी ने क्यों बोला सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुलायम सिंह यादव से अगर सवाल करना होगा तो मैं पूछूंगी अनुराग भदौरिया से, एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों सबको बताया कि गैंगरेप नहीं हुआ है? क्या कार्रवाई करेंगे आप एडीजी के खिलाफ? देना पड़ेगा ना। पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन को झूठा साबित करने में क्यों लग गए हैं सर? पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन झूठा क्यों साबित करने में लग गए हैं? 3 दिन से सुन रही हूं, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया, एफएसएल रिपोर्ट में नहीं आया। आप मुझे बता दीजिए कि चारों आरोपी क्या लेके गए थे, क्यों लेके गए थे उस 19 साल की बच्ची को वहां पर? अंजना जी, क्या हुआ था उसके साथ? अफवाहों से किसी की जान नहीं चली जाती है सर, आप भी जानते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो परिस्थिति जन साक्ष्य है वो केवल ये नहीं कहते कि वो कहे कि जैसे बताया जा रहा है कि केवल मेरे ऊपर एक हत्या का प्रयास किया गया था और उसके बाद ये हो गया, ये संतोषजनक कतई नहीं था, इसीलिए तो एसआईटी गठित की गई है और उसको टाइम बाउंड रिपोर्ट देनी, और इसका जवाब एडीजी को एसआईटी में देना पड़ेगा। बिल्कुल,
कि उन्होंने क्यों बोला है और कैसे बोला है और किस आधार पर बोला है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।